बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो हमारा आज का बच्चों टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3, ठीक है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड मेथड, और इसके अंदर आएगा हमारे पास क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, और इसे एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है बच्चों, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इसके हेल्प से हम बहुत बहुत कुछ निकालने वाले, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों, यूनिट फाइंड करेंगे, ठीक है। करेक्टनेस चेक करेंगे, ओके। करेक्टनेस चेक करेंगे, यूनिट निकालेंगे, डायमेंशनल निकालेंगे, ओके। ये सब करने वाली अच्छी अच्छी चीज जब आप क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ पे मजा आने वाला, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ बी स्क्वायर में सिंपल सा लिया है, जो कि आप जानते हो 9th क्लास से। आप वी इक्वल टू यू प्लस ए टी भी ले सकते हो, वी इक्वल टू बच्चों यू प्लस ए टी, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है बच्चों, ठीक है, क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म, द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एन इक्वेशन, द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म, द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम। इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर, मतलब इसका इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, तीनों का सेम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लिख लो कॉपी में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फिजिकल क्वांटिटी विल बी डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकल क्वांटिटी विल बी डायमेंशनली करेक्ट, लिख लिया, फिजिकल क्वांटिटी विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म अकरिंग ऑन बोथ साइड्स, अकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेम, मतलब किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, दोनों तरफ जो टर्म होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इक्वेशन के अंदर जो टर्म है उसका डायमेंशन सेम होगा, तभी जो है क्या होगा, वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, अन्यथा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद चेक करेंगे एलएचएस का आरएचएस के इक्वल है या ना है, समझ रहे हो बात, हर क्या बोलते हैं, हर टर्म का, ओके। एंड उसके बाद बच्चों निकालेंगे डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से निकालेंगे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद बच्चों यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन के साथ क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में बच्चों देखेंगे, ठीक है, सिंपल सा, कि कोई फॉर्मूला किसी के लिए वैलिड है या फिर ना है, कैसे है वो चीज़, ठीक है, समझ गया। तीन चार कॉन्सेप्ट देखने वाले, ओके। तो देखो यहाँ से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर है, अच्छा, s इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस, s का हो गया l लेंथ, यू टी बच्चों ये देखो u का हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस वन, स्पीड है एल टी पर पावर माइनस वन, टी से टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, हाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, l बच जाएगा l, ओके। चलो हाफ एट स्क्वायर, तो a एल टी पर पावर माइनस टू, एल टी पर पावर माइनस टू, टी स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे स्क्वायर हो, ठीक, तो यहाँ से यहाँ कट गया, ये हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा बच्चों एल, ओके। देखो सबका डायमेंशन क्या है, सेम है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली बात है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम डायमेंशनली की बात करें ना, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आने वाला है, एस इक्वल टू, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ गया, ठीक है, चलो आ गया तो बता दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, देख एस इक्वल टू यू इक्वल टू हाफ, अरे भाई ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ए टी बच्चों स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर डायमेंशनली चेक करें, ये हाफ हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, क्या हो जाएगा बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी हो जाएगा। अब एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी हो गया ना, डायमेंशनली करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली क्या है बच्चों, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो बात, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है,
तो वो न्यूमेरिकली क्या हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, अगर डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है बच्चों, तो वो दोनों क्या होगा, इनकरेक्ट ही होगा, डायमेंशनली एज वेल एज न्यूमेरिकल। कहने का मतलब अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली क्या हो, करेक्ट, ठीक है। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्का क्या होगा, न्यूमेरिकली भी इनकरेक्ट ही होगा, ठीक है। एक ही पॉइंट मिलता है इससे, क्या मिलता है, डायमेंशनली करेक्ट तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन पूरी तरह से राइट हो, ठीक है। ये इसका आंसर, ओके। ये बहुत ही अच्छा फंडा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी बात यहाँ मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है भैया, सिंपल बात है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इस ये जो है किस फैक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस फैक्ट पे जो है ये डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है कि सेम क्वांटिटी को हम सेम के साथ जोड़ेंगे, जैसे वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ेंगे, ना कि फोर्स के साथ। भैया 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 न्यूटन क्या होने वाला है, कुछ नहीं। 2 मीटर पर सेकेंड 5 न्यूटन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। और ये 2 kg + 5 m/s मास में कभी हम वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस ये जो है इस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि जो सेम क्वांटिटी है उस सेम क्वांटिटी के साथ हम उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 पॉइंट मिला, ठीक है। हर इक्वेशन इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। थर्ड पॉइंट, सेम को सेम के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, सेम क्वांटिटी को सेम के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, या घटाएंगे, सिंपल सा, ठीक है। ये इस फैक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का टाइप क्या बनता है बच्चों, पहला कि हम चेक करेंगे डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट, दूसरा बच्चों डायमेंशन फाइंड करेंगे, तीसरा बच्चों क्या करेंगे, तीसरा क्या करने वाले इसमें यूनिट फाइंड करेंगे, डायमेंशन के साथ साथ यूनिट फाइंड करने बोलेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में बच्चों ये पता करेंगे, सिंपल सा ये पता करने वाले सिंपल सा कि कोई भी इक्वेशन जो है, ठीक है, कहाँ तक सही है, मतलब कि ये जो है ना ये वाला चीज़, ठीक है। तो मतलब कि इक्वेशन को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी और के साथ करें, ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, वहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है, इसके हेल्प से वो भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। एक टाइप ये दूसरा टाइप बन जाएगा, और तीसरा बच्चों फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट, ओके, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आराम से। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन एक आगे u/2 + 1/2 स्क्वायर, और आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन, v = u + at को चेक करना है, क्या करना है, v = u + at को कैसे करेंगे, देखो कैसे। चलो बच्चों आ जाते हैं, v = u + at, चलो मतलब चेक करना कैसे, सिंपल चेक करना भैया, तीनों इक्वेशन तो पहले उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला बच्चों क्या है, अरे भाई कहाँ गया, हाँ ठीक है, देखो v = u + at, v = u + at, ठीक है, एस इक्वल टू ut + 1/2 at² v² - u² बच्चों 2as, ठीक है। इस तीनों को चेक करना है, बहुत ईजी है, ठीक है, आप कर भी लोगे। v का lt पर पावर -1, u का भी lt पर पावर -1, a का देखो lt पर पावर -2 × t। देखो सिंपल बात है बच्चों, v का हो जाएगा lt पर पावर -1, u का भी हो जाएगा lt पर पावर -1, at का बच्चों lt पर पावर -2 × t, तो कैंसिल हो जाएगा lt पर पावर -1, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं s इक्वल टू ut + 1/2, ये मैंने कर दिया, v² - u² = 2as, तो v² का देख लो, ठीक है, lt पर पावर -1 का स्क्वायर, l²
टी पर पावर बच्चों माइनस टू, फिर से वही हो जाएगा ना इसका एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, सही है? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ टू, टू का तो कोई वैल्यू नहीं है, एल टी पर पावर माइनस टू इंटू बच्चों एल, देखो आ गया एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू। ये क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, क्या बच्चों? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अच्छा और चेक करना है, जैसे जैसे देखो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एस, ये लेते हैं ठीक है, ये देखो ठीक है, लिख लिया जल्दी से लिख लो। अभी क्या बच्चों हमारे पास बहुत सारा इक्वेशन है, ये टेंशन नहीं लेते। आगे क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एस, ठीक है देखो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों एम जी एस, इसको चेक करना है ठीक है कि ये डायमेंशनली करेक्टनेस है या नहीं है, ठीक है डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। चेक द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, सिंपल बात है एम बी स्क्वायर बच्चों एनर्जी है, एनर्जी है बच्चों, एनर्जी है, एनर्जी मतलब एनर्जी का वर्क से, सिंपल बात है हमको आपको याद होना चाहिए एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, सही है। अब इधर चेक कर लो एम जी एच का मास बच्चों, मास जी एल टी पर पावर माइनस टू, एच मतलब हाइट, हाइट मतलब लेंथ, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू। एल एच एस बराबर आर एच एस मतलब कि डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इक्वेशन में सारा क्या हो रहा है मिल रहा है, तो क्या डायमेंशनली करेक्ट है। आगे देखते हैं, आगे बच्चों एफ एस इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, आगे क्वेश्चन है देखो जबरदस्त क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, ठीक है। आगे बच्चों एफ एस इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस, ठीक है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस, आगे भाई एक मिनट बच्चों आ जाए क्वेश्चन भाई, आ गया ठीक है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब वर्क मतलब एनर्जी, ये वाला ना देखो एम ये भी वही है, ठीक है सिंपल सा देखो कैसे करते हैं, एफ एस मतलब एनर्जी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, तो एल एच एस में हो गया। अब ये वाला चीज बच्चों यहाँ से देख लो भाई एम बी स्क्वायर है ना, एम बी स्क्वायर तो एम बी स्क्वायर, एफ एस मतलब एनर्जी दिस तो दिस, एम बी स्क्वायर बच्चों यहाँ से एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, हाफ से मुझे कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है डायमेंशनली जो करेक्ट होगा इक्वेशन कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो न्यूमेरिकली करेक्ट हो, आप देख भी रहो साथ में ये हाफ हमारे डायमेंशंस में आ ही नहीं रहा है, ठीक है तो डायमेंशनली करेक्ट और न्यूमेरिकली इनकरेक्ट, ठीक है मैक्सिमम इक्वेशन बट कुछ इक्वेशन सही हो जाता है, ठीक है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम जी स्क्वायर, तो आप यहाँ से देख लो एनर्जी दिस उतार देंगे, एम बी स्क्वायर ये वाला फिर से कर देंगे, एम यू स्क्वायर फिर से वही बात है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, देखो हर हर टर्म का क्या हो रहा है डायमेंशन सेम हो रहा है, तो सेम हो जाएगा ठीक है। आपको चार पांच क्वेश्चन लिखा देते हैं आप उसको चेक कर लेना, ठीक है चलो हो गया कर लेगा चेक, आगे बढ़ो चलो स्पीड करें, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, आपको कर लेना ठीक है। आगे क्या है बच्चों, आगे है लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम बी, एच बाय बच्चों एम बी, ठीक है लैम्डा होता है वेवलेंथ मतलब लेंथ, ठीक है एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एच मतलब बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है तो एच का मैं आप लोग को लिखा देता हूँ, ठीक है एच का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है तो एच का जो होता है ना एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस वन, ये क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस वन, अब ये एल है ये कितना होना चाहिए एल होना चाहिए, चेक कर लोगे चेक करके बता देना, ठीक है चेक करके जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी ठीक है ये पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में, कहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टू जी एम बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर छोटी यार बड़ी यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नेक्स्ट करें। अच्छा नेक्स्ट करते बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास e इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अच्छा सा क्वेश्चन है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी का जो होगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, ये मास ये होता है वेलोसिटी, ये क्या होता है वेलोसिटी मतलब एल टी पर पावर माइनस वन का स्क्वायर, करोगे तो आ जाएगा ठीक है ई बराबर एम सी स्क्वायर, आ जा भाई आ जा, हाँ ठीक है टी बराबर टू पाई रूट अंडर एल बाई जी, टी बराबर बच्चों टू पाई रूट अंडर एल बाई जी, टी का टी और ये कितना ना चाहिए टी, टी कैसे आएगा
ये लेंथ है एल हो जाएगा, ये देखो जी है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस टू, एल टी पर पावर माइनस टू, एल से एल कट जाएगा, टी पर पावर माइनस टू ऊपर चला जाएगा, रूट के अंदर टी स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर दूं भाई, सबको सॉल्व कर लेना ठीक है, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत। वी बराबर रूट टू जी एम आर स्क्वायर, टू जी एम बट्टे आर स्क्वायर। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। जी क्या बच्चों? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट याद करो कितना होता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ठीक है। मैं लिखाऊँ क्या? आप देखो इससे निकालो ना, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय बच्चों आर स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू ठीक है, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, देखो इसका हो जाएगा एम पर पावर माइनस वन, एल पर पावर थ्री, टी पर पावर माइनस टू ठीक है, यहाँ पर रख देना ओके। उसके बाद आपका भी जितना होना चाहिए उतना ये होना चाहिए, तो हो जाएगा डायमेंशनली करेक्ट ठीक है। एक इक्वेशन और लिखाता हूँ, वी इक्वल टू पी बाय रो, आए क्या बच्चों? वी इक्वल टू पी बाय रो, क्या है? वी इक्वल टू पी बाय रो, रूट के अंदर पी बाय रो ठीक है। अब ये होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया डेंसिटी, वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी लिख लो फटाक से। चलो एक और बताता हूँ, एक और बच्चों वी प्लस टू वन बाय टू एल रूट अंडर पी वाई, इतना कर लोगे काफ़ी है, दस क्वेश्चन तो हो ही गया, मैंने तीन चार करवा दिया, तीन चार पाँच यहाँ पे ठीक है। लंबाई एच बाय एम भी मैंने लिख दिया, जो नहीं पता है स्केयर वेलोसिटी वी बराबर रूट अंडर टू जी एम बाय आर स्क्वायर, एम का मैंने लिख दिया, सॉरी जी का लिख दिया, जी का उतार लेना यहाँ से, एम का एम, आर का आर स्क्वायर, बस क्या करना है, काटना है छाटना है कुछ नहीं है, हलवा है पी बराबर एम सी स्क्वायर, ये भी हलवा हो गया, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, यहाँ से कर लेंगे हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इंस्टेंट ठीक है। नहीं तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़िए 8051717320 ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आ जाएगा सेकेंड पार्ट, क्या बच्चों आ जाएगा सेकेंड पार्ट ओके। सेकेंड पार्ट यहाँ पे आपने देखा कि डायमेंशनली हम चेक कैसे करते हैं, डायमेंशनली जो है चेक कैसे करते हैं ये देख लिया, और सिंपल सा कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है तो ऐसे क्या कर लेंगे हम लोग चेक कर सकते हैं ठीक है। आगे आते हैं बच्चों डायमेंशंस फाइंड करने के लिए, एंड बच्चों क्या डायमेंशनल फाइंड करने के लिए, डायमेंशंस एंड यूनिट फाइंड करने के लिए, ये टाइप हो गया, नेक्स्ट टाइप करते हैं हम लोग ठीक है। टाइप टू, अभी क्या बच्चों हमारे पास टाइप टू क्या होगा, टाइप टू होने वाला है ठीक है। चलो करते हैं टाइप टू, टाइप टू में क्या है बच्चों, ए भाई जा, टाइप टू में क्या है, अरे भाई क्या हो रहा है, टाइप टू में क्या है बच्चों, डायमेंशंस एंड यूनिट फाइंड करेंगे ठीक है, डायमेंशंस एंड यूनिट ठीक है बच्चों, फाइंड डायमेंशन एंड क्या करेंगे बच्चों, यूनिट फाइंड करेंगे, दोनों एक साथ कर लेते हैं, डायमेंशन भी फाइंड करना है और क्या करना है, यूनिट भी, दोनों फाइंड करना है, दोनों साथ में करना है ओके। चलिए क्वेश्चन से करते हैं हम लोग, और इसमें याद क्या रखना ठीक है, डायमेंशनली जो सिमिलर क्वांटिटी होगा, डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, इसका क्या मतलब है अभी समझ में आया, लाइन लिख लो, डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटी, अभी मजा आया ना, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड ठीक है, डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड हम कर सकते हैं ठीक है। तो देखो यहां से आप कैसे करेंगे ठीक है, एक क्वेश्चन का अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन द इक्वेशन एफ इक्वल टू, ए बाय बी निकालना इन द इक्वेशन एफ इक्वल टू बच्चों ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, अब इसका यूज करेंगे इस लाइन का ठीक है, इस लाइन का
डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि इसका डायमेंशन जो है, ठीक है, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, मतलब सब टर्म का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा, बस इसी का यूज करना है, बस इसी का क्या करना है, यूज करना है हमें, ठीक है, सिंपल सा, ओके। जहाँ पर एफ क्या है फोर्स, एक्स क्या है डिस्टेंस, टी क्या है बच्चों टाइम है, इसका डायमेंशन सेम है, इस बात का यूज करना है कि डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो डायमेंशनली सेम क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम है बच्चों, वो ऐड हो सकता है साथ में और क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये मैंने शुरू में बात की थी, ठीक है, चलो मिटा दो, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको निकालना ए बाई बी, ए निकाल लेते हैं बी निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसका साथ में आपको यूनिट भी निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, मैं आपको देता हूँ, आपको क्या करना है यूनिट भी निकालना है। F equal to बच्चों a root x, a root क्या x, कोई दिक्कत, अब बताओ f का क्या होता है, f का जो क्या होता है, a का निकालना है ना, f का है root x, x root x मतलब x power 1 by 2, ये हो जाएगा m l t पर power minus 2 l पर power half, ऊपर जाएगा 1 minus ऊपर चला जाएगा half हो जाएगा, 1 minus कितना बच्चों half, ये हो जाएगा m l पर power half पर पावर माइनस टू, आ गया ए का वैल्यू आ गया एम एल पावर हाफ टी पर पावर माइनस टू। सिमिलरली बी का निकालना, किसका निकालना है बच्चों, बी का आपको क्या करना है निकालना है, तो एफ इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर कर दे, देखो यही से कर लेंगे, अलग कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख लिया, अच्छा बी का निकालना, किसका निकालना है बी का, तो एफ इक्वल टू देखो बी टी स्क्वायर, यहाँ से बी हो जाएगा एफ बाय टी स्क्वायर, मतलब कि एम एल टी पर पावर माइनस टू, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या रहेगा टी पर पावर माइनस फोर, एम एल टी पर पावर माइनस फोर। आपको ए बाय बी का निकालना है, चलो आ गए, बी पता है ए पता है, ए पता है बच्चों बी पता है, तो ए बाय बी डिवाइड कर देंगे एम एल पर पावर वन बाय टू टी पर पावर माइनस टू, ये हो जाएगा एम एल टी पर पावर माइनस फोर, ठीक है, देखो कट जाएगा, कट गया, फिर से ये ऊपर जाएगा हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन बच्चों, ये एल पर पावर माइनस हाफ, एल पर पावर माइनस हाफ, ये माइनस टू, ये ऊपर जाएगा फोर माइनस टू बच्चों टू टी पर पावर टू, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो अब ये जाएगा नीचे, ये जाएगा टी स्क्वायर बाय रूट एल, क्या जाएगा रूट एल, टी स्क्वायर बट्टे बच्चों रूट एल, ठीक है, या तो ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, या ये देंगे टी स्क्वायर बाय रूट एल, क्या देंगे टी स्क्वायर बट्टे रूट एल, ये आंसर हो गया, ठीक है, अच्छा एल मतलब लेंथ, ये सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, अगर यूनिट की बात करें क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, ठीक है, टी मतलब सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर लेंथ मतलब डिस्टेंस, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, निकाल लिया यूनिट, डायमेंशन भी निकाल लिया, यूनिट भी निकाल लिया, ठीक है, अब इसका सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और है, क्या है वो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन, ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है, फिर से करते हैं, एक और क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन बच्चों पी इक्वल टू ए माइनस बी, देखो मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ए माइनस टी स्क्वायर, ए माइनस बच्चों टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आ गया, डिवाइड बाय बी एक्स, डिवाइड बाय बच्चों बी इंटू एक्स, पी इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय बी एक्स, इसका निकालना है, मतलब आपको निकालना है यहाँ पे ए बाय बी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला उस बात को ध्यान रखना है, डायमेंशनली अगर सेम हो ना उसे हम ऐड और क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है क्या इसका डायमेंशन सेम है, ए का डायमेंशन टी के बराबर, तो टी स्क्वायर, ये एक आ गया टी स्क्वायर, कोई दिक्कत, बोलो 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 बोलो, एक आ गया टी के बराबर, भाई बोल दे, एक का जो क्या आ गया बच्चों टी के बराबर, ठीक है, अच्छा अब पुट करो पी इक्वल टू, ये पी जो है हमारे पास, पी क्या है, पी है हमारे पास प्रेशर, क्या बच्चों पी है प्रेशर, पी क्या है प्रेशर, और प्रेशर तुम लोग जानते हो क्या होता है फोर्स बाय एरिया, क्या होता है बच्चों फोर्स बाय एरिया, ठीक है, तो पी क्वेश्चन हो गया ए माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, देखो ध्यान सुनना है, ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे बी का,
देखो ध्यान सुनना है, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अभी देखो मजा आने वाला है, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स, बी इंटू एक्स का बच्चों एल, एक्स का बच्चों क्या हो जाता है एल, ठीक है। देखो बी का क्या हो जाएगा, बी का यहाँ से, बी का जो होगा यहाँ से बी का वो हो जाएगा पी इंटू एल, पी इंटू एल, तो पी इंटू एल। अब देखो यहाँ पे जीरो करेंगे क्या, टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, चूंकि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना बात को, ठीक है, डायमेंशन की बात करें बच्चों, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, टाइम का जो है हम यहाँ पे डायमेंशन लिख देंगे, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, भाई जीरो नहीं होगा, टाइम का डायमेंशन लिखना है तो क्या होगा टी स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ अब तो हलवा हो गया, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का होता है बच्चों फोर्स बाय एरिया, यहाँ से आ जाओ एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू है भाई, एम एल टी पर पावर माइनस टू, ठीक है, सॉरी एरिया का बच्चों एल स्क्वायर, ये बेचारा ऊपर जाएगा ना, तो एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस टू, पुट कर दे एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस टू डिवाइडेड है बच्चों, अच्छा एल भी है, एल बाय टी स्क्वायर, देखो ये ऊपर जाएगा टी पर पावर माइनस फोर, एल एल कैंसिल, तो एम टी पर पावर माइनस फोर, तो बी का क्या आ गया एम टी पर पावर माइनस फोर, अब तो आसान हो गया, ए बाई बी को डिवाइड कर लोगे, ए का निकाल दिया मैंने, बी का निकाल दिया, ठीक है, इसका आंसर जो आने वाला ना, देख ए बाई बी ये ऊपर है टी स्क्वायर, नीचे है माइनस फोर, सही है ना, टू ऊपर जाएगा माइनस फोर हो जाएगा, हाँ ठीक है, बी बड़ा हो जाएगा एम टी पर पावर माइनस फोर, और आपको निकालना है ए बाई बी, हाँ सही है, ए बाई क्या निकालना है बच्चों, बी निकालना है, तो ए बाय बी निकालना है, ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा टी स्क्वायर, हाँ सही है, टी स्क्वायर डिवाइड बाय, अब बी का क्या आ गया हमारे पास, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, एम एल टी पर पावर माइनस टू ए पर पावर बी, यस सही है, एम एम टी पर पावर माइनस टू आ रहा है, क्या आ रहा है, एम टी पर पावर माइनस टू आ रहा है बच्चों, ठीक है, एम पावर माइनस वन टी पर पावर फोर, कुछ 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 याद हो, पी बराबर टी स्क्वायर बाय बी एक्स, ठीक है, तो पी तो बी देखो यहाँ पे आया तो पी नीचे आना चाहिए ना, हाँ 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 हाँ, ओहो हो, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी सॉरी, देखो 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 यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस बी एल, निकालना क्या हमें बी का निकाल, बी यहाँ गया तो पी एल, ओहो हो, ये पलट जाएगा बच्चा, ठीक है, ये क्या जाएगा पलट जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर बाय क्या जाएगा, सॉरी बच्चों टी स्क्वायर बाय क्या जाएगा पी इंटू एल, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, इसको उलट देंगे, क्या करेंगे इसको बच्चों उलट देंगे, तो टी स्क्वायर ऊपर, टी स्क्वायर ऊपर, ठीक है, टी स्क्वायर ऊपर ए पी, देखो एम एल पर पावर माइनस वन पी पर पावर माइनस टू, ठीक है, इंटू एल तो एल, ठीक है, एल से एल गया एम पर पावर माइनस वन एल पर पावर बच्चों फोर, ए वाई बी करना है, ए वाई बी कर देंगे तो निकल जाएगा टी से टी, ए वाई टी होगा ना यहाँ पे, क्या हो गया मुझे, ठीक है, टी होगा तो टू टी एम पर पावर माइनस वन, देखो नीचे है तो वन ऊपर चला जाएगा एल पर पावर स्क्वायर, ठीक है, एम वन एल पर पावर माइनस टू, ठीक है, डिवाइड करेगा ना इसको, इसको डिवाइड कर लेना भाई, क्या लगेगा एम वन एल पर पावर माइनस टू, समझ गया बात, क्वेश्चन आगे चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, अब मल्टीप्लाई वाला करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है, आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए, ठीक है, आगे क्या करते हैं बच्चों फाइंड द डायमेंशन ऑफ, जब तक ट्रेन जा रही है तब तक रुकते हैं हम,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है, इन द रिलेशन पी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए इंटू टी, ठीक है। पी बच्चों फिर से क्या है हमारे पास यहाँ पे, पावर है। पी इक्वल टू बच्चों पावर है, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। तो फिर से वही करना है आपको, ए क्रॉस बी का क्या निकालना है डायमेंशन, ए क्रॉस बी मतलब ए इंटू बी का क्या निकालना है डायमेंशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और सिमिलरली क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी साथ में ऐड कर देते हैं ताकि आप ट्राई भी कर सकते हो साथ में, ठीक है, मेरे साथ साथ ट्राई करोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन एक, फाइनल डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, फाइनल डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी और एनर्जी इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन हलवा है, एनर्जी इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन क्या, बी माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन बन गया बाय ए टी, ए टी क्या हो गया बच्चों, ए इंटू टी, ठीक है, बताओ बनेगा क्वेश्चन। अब बी का जो डायमेंशन है किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स बच्चों डिस्टेंस है टी टाइम, तो बी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, खत्म खत्म। अब देखो यहाँ से हमें निकालना ए का, ए यहाँ जाएगा पी टी नीचे जाएगा, ए इक्वल टू बच्चों आपको मैंने अभी बताया एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, देखो निकाल लो मैं, ए यहाँ गया पी यहाँ आया, बच्चा एल स्क्वायर ऊपर ही रहेगा और पी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर इंटू टी, पावर इक्वल टू बच्चों एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, और एक टी ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाएगा टी पर पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर, ये देखो टी ऊपर से जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर कितना जाएगा माइनस थ्री, ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस थ्री, ओके। ये देखो एल से एल मरा मरा ना हमारे यहाँ, एल से एल गया, अरे भाई एक छूट रहा है कुछ, छूट क्या रहा है, वो छूट रहा है टी, थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है, एल से एल मर गया, एम पर पावर माइनस वन, टी पर पावर माइनस थ्री बच्चों, टी पर पावर माइनस थ्री, और अच्छा ये देखो टी पर पावर कितना बचेगा माइनस टू, ऊपर जाएगा क्या रहेगा प्लस टू, प्लस टू, ठीक है। अब ए इंटू बी बोल रहा है करने, ए इंटू बी तो ए क्रॉस बी करेंगे ना, ए क्रॉस बी करेंगे तो एल स्क्वायर इंटू एम पर पावर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, ये लगेगा बच्चों एम पर पावर माइनस वन एल स्क्वायर एंड साथ में लगेगा बच्चों टी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी का। अच्छा ए का बी का अगर पूछे यूनिट तो एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ए का पूछे बच्चों ए का यहाँ से आ जाओ सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, ठीक है, आ रहा है आंसर, ये भाई आ जा कहाँ गया, यस 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 हाँ ठीक है, यस ठीक है, एम पर पावर माइनस वन, एम पर पावर माइनस वन, एल पर पावर टू, टी पर पावर टू, ठीक है, एम पावर माइनस वन, एल पावर टू, टी पर पावर टू, ई बराबर निकालना, मतलब कि ए इंटू बी निकालना है, ई का दिया हुआ है, सिमिलरली जाएगा सब कुछ, बी का हो जाएगा बच्चों फिर से एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा पावर हो जाएगा ई आ जाएगा, तो ई की जगह हो जाएगा, मैं इसको बस समझा रहा हूँ, ई किसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, यहाँ पे टी पर पावर माइनस टू और ये साथ में टी, टी पर पावर माइनस टू साथ में टी माइनस टू वन कितना हो जाएगा माइनस वन, ऊपर जाएगा यहाँ पर जाएगा बच्चों टी पर पावर वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी पर पावर वन, फिर से वही सब कुछ हो गया एम पावर वन एल स्क्वायर, समझ रहे हो बात, हाँ टी पर पावर कितना वन, खत्म क्या लगेगा बच्चों खत्म हो गया, कोई दिक्कत, टू था तो वन हो गया, टाइम गैप कर दिया आंसर मिल गया, कोई दिक्कत बोलो, एम पर पावर माइनस वन एल पावर टू टी पावर आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देन एम बाय ए डेल एल बाय एल, ओके चलो और बात करते हैं, आ गया, अब आपको क्यू का निकालना, कितना निकालना है, इसे निकालना बच्चों क्यू का आपको निकालना है हमारे पास डायमेंशन, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्यू का डायमेंशन अगर आपको निकालना है, अरे भाई एन सी आर टी क्यों आ गया, आ जा चलो, अगर क्यू का निकालना है भाई कहाँ गया, चलो निकाल बच्चों क्यू का, दो तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करने पे क्या होगा ना टी स्क्वायर, क्या होगा टी स्क्वायर, चलो इधर आ जाओ फोर पाई स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर इसका डायमेंशन ले बताइए, फोर पाई स्क्वायर, ये रहेगा बच्चों एम एल पर पावर थ्री, ये रहेगा थ्री गामा क्यू,
क्यू, क्यू का निकालना है, बस अब आसान हो गया। तो क्यू का निकालना है, देखो इसको इसे मल्टीप्लाई कर देना है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, ओहो नहीं ये यहाँ, ये यहाँ, तो एम एल क्यू बाय बच्चों थ्री का दान। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब मास का एम एल, ये थ्री हटा दे, थ्री हटा दे, कॉन्स्टेंट पार्ट को मैंने गायब कर दिया, ठीक है, एम एल क्यू बाय वाई, ठीक है, ये बताओ एम मास L, तो L थ्री डिवाइड बाई गामा, बच्चों गामा का ये रहा, ये वाला एम एल का पावर माइनस वन टी का स्क्वायर, ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा, एम से एम गया, L ऊपर जाएगा, L पर पावर फोर, टी पर पावर माइनस टू, है क्या ये भाई, कहाँ गया, L पर पावर फोर, L पर पावर क्या आ रहा है, कहाँ 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 गलती हो रहा है बच्चों, गलती हो गया, देखो टी स्क्वायर जाएगा नीचे, टी स्क्वायर, ठीक है, गामा टी स्क्वायर, सॉरी एम एल क्यू, एम एल पावर में टी बाई टू, ये जाएगा टी पर पावर टू, ये जाएगा टी पर पावर बच्चों कितना इंटू टू, सही है, देखो सही है, टी पर पावर माइनस टू होगा ना, क्या होगा, टी पर पावर माइनस टू होगा, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, टी पर पावर माइनस टू, सॉरी यहाँ से निकालोगे ना एफ बाय ए डे एल बाय एल, तो यह आ जाएगा एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस टू स्टेज, ठीक है, एक मिनट, तो ये बच्चों हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा टाइम पीरियड का इक्वेशन है और आपको यहाँ से निकालना है बच्चों क्यू, टी बराबर टू पाई रूट अंडर एम एल क्यू बाय थ्री गामा क्यू, तो निकालना है क्यू का डायमेंशन, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस का क्या होता है डायमेंशन, एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एफ बाय ए डेल एल बाय एल, अब इसको सॉल्व करोगे ना डायमेंशनली, डायमेंशन डाल के सॉल्व कर लेना ये आएगा, ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है बच्चों, स्क्वायर कर दो, क्या करना है स्क्वायर, तो टी पर पावर स्क्वायर इस साइड हो गया बराबर बच्चों टू पाई, इधर आ जाओ टू पाई का स्क्वायर, तो ये फोर पाई स्क्वायर, क्या जाएगा फोर पाई स्क्वायर, ठीक है, ये बच्चे हमारे पास एम एल पर पावर थ्री डिवाइडेड बाई बच्चों थ्री गामा क्यू, मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे, थ्री चलो लिख देता हूँ मैं गामा क्यू, अब देखो कॉन्स्टेंट पार को हटा दे, तो ये सब पार हटा दो, तो निकालना किसका है क्यू का, तो क्यू को इधर लेके आते हैं, क्यू को इधर लेके आ गए, ठीक है, बराबर ये देखो एम एल पर पावर थ्री, ये जाएगा गामा टी स्क्वायर, सही है, चलो अब आ जाओ जब कर दिए, अब देखो एम एल क्यू, एम मास क्यू का देखो बच्चों, मास लेंथ पर पावर थ्री डिवाइडेड बाय गामा एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस टू, एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस टू, और ये टी स्क्वायर, ये बच जाएगा बच्चों हमारे पास टी स्क्वायर, क्या जाएगा टी स्क्वायर, ये सी गया एम से एम भी गया, तो क्यू क्या आ गया बच्चों एल पर पावर फोर, क्या आ गया एल पर पावर फोर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग बना के जरूर कमेंट कीजिएगा, सर आंसर आ गया, ओके कोशिश कीजिएगा बन जाए, ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है डायमेंशन फाइंड करना है वी का, क्या फाइंड करना है वी का डायमेंशन फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वी इन द इक्वेशन, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वी इन द इक्वेशन, बच्चों क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वी इन इक्वेशन, कौन सा वी इक्वेशन है हमारे पास, ये भाई खुल जा, चलो इक्वेशन है बच्चों वी इक्वल्स टू, इक्वेशन है हमारे पास वी इक्वल्स टू
फाइव पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू नीटा एल, क्या है टू नीटा एल, ठीक है। आप देखो ये कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या है बच्चों, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वाला। अब पहले ये वाला कर लेना, जो ए स्क्वायर होगा वही किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो पी है बच्चों हमारे पास प्रेशर, पी क्या है, पी है प्रेशर, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पी है बच्चों क्या, प्रेशर जरूर बनाना, पी इक्वल टू प्रेशर है, नीटा होता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है बच्चों, कोफिशियंट ऑफ, ये भाई कहाँ गया, अरे आ जाओ भाई, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कहाँ गया, कोफिशियंट ऑफ, हाँ विस्कोसिटी, और इसके बाद एक्स है डिस्टेंस, एक्स है बच्चों डिस्टेंस, एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस, आप कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी लिख लोगे ना, क्या बच्चों, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कर लोगे, बोलो कर लोगे, हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको निकालना है, ठीक है। देखो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है, एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस वन, ठीक है, एम एल पर पावर माइनस वन यूज कर लेना, टी पर पावर माइनस वन, एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस वन, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट मेथड के साथ बच्चों, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट मेथड होने वाला है, ठीक है बच्चों, वो क्या होने वाला है, हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे एक के दूसरे के साथ, ठीक है, रिलेशन करेंगे अमोंग द डायमेंशनल, अमोंग द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, फॉर्मूला बनाएंगे डायमेंशन से, ठीक है, ओके, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।